मांग की। मैं स्टाम्प लेकर आया हूँ, लेकिन इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने फर्जी तरीके से काम किया है। कोई जरूरत नहीं मुझे, अभी दो दिन से मेरे पास इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं इसको क्या करूंगा अभी फालतू का कागज लेकर। मैं जो भी प्रक्रिया है मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ कि मेरा काम तो खत्म हो चुका, मैं ऐसे कागज की क्या करूंगा अभी तक। आज हम सभी यहाँ पर, आज शुक्रवार का दिन है, जो कि आज पंचायत सचिव हमारे जो हैं यहाँ पर, नाम उनका और नंबर भी लिखा गया, प्रेमनाथ, जो कि आज यहाँ पर शुक्रवार के दिन, हर शुक्रवार के दिन इनकी बैठक होती। तो आज हम सभी यहाँ पर आपको पंचायत भवन पर लेकर आते हैं अपने ग्राम सभा मिला रहे हैं, और यहाँ पर जो भी प्रक्रियाएँ होती हैं सभी ग्राम पंचायत से ही आजकल की जाती है, क्योंकि सरकार ने इतनी अच्छी फैसिलिटी करके कम से कम 10 से 15 लाख रुपए खर्च किया है यहाँ पर, ताकि ग्रामवासियों को सही से और उनका मतलब जो काम है सही से सही किया जाए, जो कि पंचायत सचिव जो हैं हमारे ग्राम प्रधान जो हैं इनकी मुख्य भूमिका रहती है, और यहाँ पर ही बैठक करके प्रस्ताव पारित किया जाता है। और जो कि यहाँ से 1 रुपये का भी अगर फंडिंग होता है तो वो ग्राम सभा के लोगों को जानना चाहिए कि वहाँ उनकी पैसा जो है, उनका पैसा कहाँ पर लगा और किस काम में खर्च किया गया। तो मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं इस समय हूँ, तो मेरे साथ कुछ वाकया हुआ और आज से 5-6 दिन के पहले का, जो मैं आप सभी को रूबरू कराना चाहता हूँ, क्योंकि ये सिस्टम जो है वो सिस्टम अपने सिस्टम से काम करता है, किसी के मतलब जोर दबाव में नहीं है। मैं उस सिस्टम की तारीफ भी करता हूँ, लेकिन एक जगह कुछ खामियाँ रह गई दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे एक परिवार रजिस्टर की नकल चाहिए था, तो कि जिसके लिए मुझे सेक्रेटरी साहब से मिलना था, सचिव साहब से, तो 2-3 दिन हुआ मुझे और मैं उनके पास कॉल किया, मुझे नंबर मिला किसी संपर्क के माध्यम से, तो मैं उनके पास कॉल किया 2 दिन से, तो उन्होंने हमारा फ़ोन रिसीव नहीं किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि बुधवार को एक बैठक होती है, मैं आपको उसके भी बारे में बताना चाहता हूँ कि हर बुधवार को बैठक की जाती है बीडीओ साहब के यहाँ अभोली में, हर ग्राम पंचायत का, तो वहाँ पर बैठक की जाती है। कोई भी अगर समस्या आपकी है, तो अगर ग्राम पंचायत में आपकी समस्या नहीं सुनी जाती है तो उसका समस्या बीडीओ साहब के पास भी देते हैं। तो 2 दिन से मैंने इनको फ़ोन किया, इन्होंने हमारा फ़ोन रिसीव नहीं किया, तो हमें कुछ जानकारियाँ मिली कि आप ब्लॉक पे चले जाइए, वहाँ पर आपका काम हो जाएगा। मैं जब यहाँ से ब्लॉक पे गया तो आपको बताना चाहता हूँ, ब्लॉक पे हमसे मुलाकात हुआ सेक्रेटरी साहब से, तो मैंने अपने परिवार रजिस्टर का नकल मांगा, जो कि इस समय मेरे हाथों में है। तो आज 5वां दिन है जो इस प्रस्ताव जो मुझे चाहिए था, और मुझे इतना नॉलेज होने के बाद 5 दिन के बाद मुझे ये एक परिवार रजिस्टर की नकल मिल रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर इन्होंने हमसे कहा कि एक अप्लीकेशन देना, क्योंकि मैं इस ग्राम सभा का निवासी हूँ, तो मुझे एक नाम ऐड कराना था। जायज सी बात है कि इससे पहले जो सेक्रेटरी थे, हालांकि कोई यहाँ पर बैठता ही नहीं, जो कि प्रक्रियाएँ इतनी जटिल हो जाती हैं हम लोगों के लिए, जो कि इसीलिए हम लोग इतना परेशान हैं। आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर अगर नियमता है कि जायज वाली बात है कि हमको स्टाम्प देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर का जो परिवार के लोग हैं वो परिवार रजिस्टर में छूट गए हैं। छूट नहीं गए, यह सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामीता है। मैं बताना चाहता हूँ कि 2011 का ही ये परिवार रजिस्टर नकल जो भी बना है, जनगणना हुई तो 2011 का बना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2011 के बाद तक आज तक कभी जनगणना यहाँ पर हुआ ही नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ पूरे ग्राम सभा में, पूरे भुली ब्लॉक में किसी के भी परिवार का एक भी पूरा सदस्य परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई परिवार रजिस्टर में छूटा ही रहता है, क्योंकि जनगणना 2011 के बाद हुई, उसके बाद कोई बताया नहीं किस प्रकार से प्रक्रिया की जाती है। बाद में सेक्रेटरी साहब जो होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले सेक्रेटरी साहब जो थे उनका ऑफिस था यहाँ पर बसवापुर चौराहे पे, वो लोग ग्राम पंचायत के अलावा कहीं अपना दूसरी जगह ऑफिस बनाते हैं, और जो ये खेला किया जाता है, जिसमें मैंने अपनी प्रक्रिया सही और नियमता ढंग से पालन किया तो मुझे 5 दिन के बाद मिला। तो ये प्रक्रिया क्या होती है कि ये लोग पंचायत भवन पर न बैठ कर कहीं दूसरी जगह अपना ऑफिस बनाते हैं, वहाँ पर लोगों को बुलाया जाता है और इसी प्रक्रिया के लिए उनसे पैसे लिया जाता है। इसके पहले मेरे साथ वाकया हुआ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्योंकि जो भी काम होता है वो ग्राम पंचायत के सचिवालय में होना चाहिए, कि जिस पंचायत भवन है यहाँ पर पूरी प्रक्रिया ये होनी चाहिए, क्योंकि हर ग्रामवासी अब होली ब्लॉक पे या फिर कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहता है। तो यह नियमता रहेगा, 2011 की जनगणना है तो उस जनगणना में आज तक दर्ज नहीं हुआ, जिसके लिए मुझे स्टाम्प की मांग की गई, जो भी जायज़ है, मेरे पास स्टाम्प भी मैंने बनवा के लाया। लेकिन एक वाकया वहाँ पर भी मेरे साथ हुआ, उन्होंने हमारे सामने 4 से 5 पे जो साठा था, जिसको वृद्धा पेंशन कहते हैं, उन्होंने उस पर साइन करके मेरे सामने दिया। जब मैंने अपने प्रस्ताव की बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि सर इसका प्रस्ताव बनाया गया, तो उन्होंने जायज वाली बात है, इसका प्रस्ताव है। तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ पंचायत भवन में, जो कि इनका प्रस्ताव बता रहे था, लेकिन आज प्रस्ताव देने के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि ये बता रहे हैं पिछले कार्रवाई में प्रस्ताव बना, मैंने उसके बेस पे पारित किया है। और यहाँ पर एक जवाब बहुत ही आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी बता दे रहे हैं
सेक्रेटरी साहब प्रेमनाथ द्वारा बताया गया कि अगर आपका डॉक्यूमेंट जायज है तो इनको कोई प्रस्ताव की जरूरत नहीं है। साठा, विधवा और विकलांग में इसमें आपको प्रस्ताव की कोई प्रक्रिया फॉलो नहीं की जाती, क्योंकि मैं एक सहज चलाता हूं, मैं आपको बता दूं, अगर आप विकलांग पेंशन के पात्र में हैं, आप बिना ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के बगैर आपका ऑनलाइन नहीं होगा। ये जानकारी इनके द्वारा मिला गया, मेरे पास पूरा वीडियो क्लिप है इनका कि ये फर्जी जानकारी दिए हैं हमें, क्योंकि बिना प्रस्ताव कानून लगाया था, लेकिन उसके लिए बिना प्रस्ताव के ही इन्होंने साइन कर दिया। और आज पूछने पे इन्होंने बता रहे हैं कि बिना हम लोग, मतलब अथॉरिटी है, अगर हम आपका डॉक्यूमेंट सही है तो हम बिना प्रस्ताव के ही काम कर देते हैं। ये जानकारियां आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें तो विधवा और साठा में तो हमको जहां तक जानकारी है ऑनलाइन करते वक्त प्रस्ताव नहीं मांगा जाता, लेकिन अगर विकलांग ऑनलाइन किया जाता है तो उसमें अपलोड किया जाता है ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, जो कि एकदम जायज है, आज भी अपडेट है, वर्जन है, कोई भी बंदा अगर कराना चाहेगा तो बिना प्रस्ताव के नहीं होगा। लेकिन इनके माध्यम से बताया गया है कि ये बिना प्रस्ताव के ही अगर पात्र है तो साइन कर देंगे, क्योंकि आजकल आधार कार्ड में भी कुछ भी चेंजेस करवा सकते हैं, अगर चेंज करवा के दे दिए तो इनके पात्र के बेस पे इन्होंने पात्रता कर दिया। गांव में पता तक नहीं करेंगे कि वो पात्र हैं रियल में या नहीं है, किसी से नहीं पूछेंगे, प्लाक अबोली पे जाइए आप और वहां पर इनको डॉक्यूमेंट सबमिट कराइए, बिल्कुल आपका सही ढंग से काम हो जाएगा। और मेरे साथ ये वाकया हुआ कि मेरा यहाँ का आधार था, पैन भी बना है, मैं निवासी भी हूँ इसी ग्राम सभा में, मेरे परिवार में अगर दर्ज करना था तो इनके लिए मुझे एक स्टाम्प देना चाहता था। ये प्रक्रिया सिर्फ हमारे लिए था या फिर किसके लिए, ये आगे बताएंगे आप सभी को। और कुछ वाकया इनका भी बताना चाहते हैं हम इसी माध्यम से। और यहाँ पर जो प्रक्रिया की जाती है सिर्फ गरीबों के साथ ये प्रक्रिया की जाएगी, मैं आपको जायज में बता देना चाहता हूँ कि ये प्रक्रिया सिर्फ गरीबों के साथ की जाएगी। मेरे सामने इन्होंने 3-4 जो साइन किए थे फर्जी साइन कर दिए, कोई प्रस्ताव नहीं लगा, इनके माध्यम से बता रहे हैं कि बिना प्रस्ताव के हम साइन करने का अथराइज हैं। और आपको बता दें कि ग्राम पंचायत में ही पूरा निर्णय किया जाता है इस चीज का, कि मतलब ये व्यक्ति पात्र है या नहीं, उसका प्रस्ताव भी बनता है। और यहाँ पर कोई प्रस्ताव बना ही नहीं और इन्होंने वैसे ही साइन कर दिया, इन्होंने सीधे तरल से काम कराने के लिए मुझे 5 दिन परेशान किया। मैं DM साहब से निवेदन करता हूँ जो इसमें नए निर्वाचित हुए हैं कि इस ये जो सिस्टम है इसको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि ग्राम सभा मिलारा में आज 33 उस समय जनगणना हुआ था तो 3300 कुछ लोग थे, 3300-3400, आज 2022 चल रहा है, तो इसमें इस प्रक्रिया में कितने लोग छूटे हैं, कितने लोग का नाम दर्ज नहीं हो पा रहा, उसके लिए सबका पूरा गांव का अगर स्टाम्प देना पड़ेगा तो ये स्टाम्प भी इनको चाहिए। सिस्टम है, अगर इंसान जिंदा है तो भी उसको लिए कागज की जरूरत है कि सर देखिए मैं जिंदा हूँ, आप मुझे जिंदा कीजिए, ये सिस्टम है यहाँ का। और इस सिस्टम की मैं विरोध करता हूँ कि ये सिस्टम गलत है। अगर ग्राम पंचायत अगर वो निवासी तो आप बिल्कुल जाइए उसके घर चेक कीजिए वो निवासी है कि नहीं। एक प्रधान जी भी हमारे साथ थे, तकलीफ उस दिन हुई जब प्रधान जी भी कह रहे हैं सर ये सही है इनको दे दीजिए, तब भी इन्होंने स्टाम्प की मांग की। और ये इनके लिए जायज है कि स्टाम्प देना चाहिए, लेकिन इन्होंने कुछ काम ऐसे किए मेरे सामने जिसके लिए मैं यहाँ पर सवाल कर रहा हूँ इनसे और यहाँ पर मैं आया हूँ। उसके लिए इन्होंने मेरे सामने बिना प्रस्ताव का साइन किया, उसी पे सवाल मैंने इनसे जब पूछा तो बोल रहे हैं कि हमने साइन कर सकते हैं, हमको प्रस्ताव अगर नहीं है पात्र है तो पात्रता हमारा आधार कार्ड भी है यहाँ का, मैं पात्र हूँ, फिर भी हमारा नाम नहीं चढ़ा रहे हैं, तो ये गलत है कि नहीं है, मैं सिस्टम से पूछना चाहता हूँ कि उनके डॉक्यूमेंट के बेस पे इन्होंने साठा, विधवा, विकलांग पारित कर दिया, प्रस्ताव बना दिया, लेकिन मेरा आधार कार्ड यहाँ का है, मैं निवासी यहाँ को एप्लीकेशन लिख के दे रहा हूँ कि मैं यहाँ का निवासी हूँ, मेरा नाम दर्ज होना चाहिए मेरे परिवार का, तो इनको लिए इनको स्टाम्प चाहिए, यह सिस्टम है यहाँ का, मैं इसका सरासर विरोध करता हूँ और इनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग करता हूँ, क्योंकि इन्होंने फर्जी काम किया है। मेरे सामने जब आप उस पे साइन कर सकते हैं तो फिर हमारे आप पात्र कर सकते हैं, तो हमारा निवासी भी यहीं का है, उसमें कोई स्टाम्प लगा नहीं था, मैं बताना चाहता हूँ उसमें स्टाम्प नहीं था, उसके लिए इन्होंने पात्र कर दिया, लेकिन हमारे लिए इनको स्टाम्प चाहिए, हम इनको स्टाम्प लाए हैं और स्टाम्प लेके देंगे। और इसमें जितने नाम छूटे हैं बोले कि सब प्रक्रिया से स्टाम्प लिख के दीजिए, उसके बाद ही दर्ज करेंगे। और मैं यहाँ से मांग करना चाहता हूँ जिस तरह से प्रक्रिया हम गरीबों के लिए या फिर आम जनता के लिए लोग करते हैं उसी प्रक्रिया से यहाँ का भी काम होना चाहिए। अगर कोई भी यहाँ का प्रस्ताव बनता है तो मैं मांग करता हूँ कि इस प्रस्ताव में कम से कम ग्रामवासियों को सूचित किया जाए। आप भी तो कोई सूचित नहीं होता, बिल्कुल आप हमें बुलाएं, हम बिल्कुल आएंगे यहाँ पर, क्योंकि जितनी भागीदारी ग्राम विकास सचिव की होती है, ग्राम विकास अधिकारी जिन्होंने कहा जो यहाँ की ग्राम विकास का काम देखने का काम करते हैं उनके ऊपर पूरे ग्राम सभा का दामोदार रहता है कि वो किस प्रकार से डेवलपमेंट करेंगे एक गाँव को। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मैं 5 दिन के बाद ये कागज मुझे मिला है वो भी सही नहीं है, जिसकी मुझे अब जरूरत ही नहीं है इस कागज की। जब जरूरत था तो इन्होंने बोला कि अभी हम दे नहीं पाएंगे। अगर कोई इंसान का कोई डॉक्यूमेंट जरूरी है तो उसको चक्कर काटना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ ये यहाँ पर शुक्रवार को बैठते हैं और अगर इसके बीच में डॉक्यूमेंट चाहिए तो इनको या तो अभोली ब्लॉक पे ढूंढोगे कहाँ, इनका तो फोन ही लगाओगे तो फोन ही रिसीव नहीं करेंगे, तो फिर आम आदमी 5 दिन के बाद ही डॉक्यूमेंट पाएगा।
तो मैं आप सभी ग्रामवासियों से अपील करना चाहता हूँ, अगर आपको 10 दिन पहले काम हो तभी इनके पास कॉल कीजिए और तभी ये मौजूद होकर दे पाएंगे, नहीं तो अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। मैं इतना शिक्षित होकर 5 दिन इस चीज प्रक्रिया को झेला हूँ यहाँ पर, तब जाके मुझे आज ये मिला कि इन्होंने BDO साहब के सामने मेरा एप्लीकेशन रिसीव किया था, उसके बावजूद भी मुझे नहीं मिला। इन्होंने उसके लिए स्टाम्प की मांग की, मैं स्टाम्प लेकर आया और जो भी ये प्रक्रिया थी सिर्फ हमारे लिए थी, क्योंकि मुझे परेशान किया गया। मैं वहाँ बोली ब्लॉक में 2 घंटे परेशान था। मैं आपको पूरा बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने जिस प्रक्रिया से काम किया वो फर्जी और सरासर फर्जी काम किया है, बिना प्रस्ताव के इन्होंने उस फाइल पर साइन किया और हम जब लेके गए तो हमसे स्टाम्प की मांग की इन्होंने। ये सचिव साहब बिल्कुल हमारे हिसाब से तो सही नहीं है। जो भी हो इसकी मांग भी मैं करना चाहता हूँ, अगर मैं BDO में कुछ भी प्रक्रिया गलत हो तो मेरे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर अन्यथा ये गलत है तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी मैं मांग करता हूँ। जो भी सजा देना चाहिए हम, मेरा ये BDO है, मैं इसमें सारा सब कुछ बता रहा हूँ फाइनल। अगर कुछ भी गलतियाँ मुझसे होती तो मेरे ऊपर केस हो, अन्यथा अगर ये गलत होते तो इनके ऊपर केस किया जाए। इन्होंने फर्जी तरीके से बिना प्रस्ताव का साइन किया है और प्रस्ताव बनना चाहिए, नियमता बिना प्रस्ताव के साइन नहीं करेंगे उस पर, लेकिन इन्होंने मुझे परेशान करने के लिए सिर्फ फर्जी तरीके से साइन किया और मैं आज 5 दिन के बाद एक परिवार रजिस्टर का नकल यहाँ पर पाया हूँ। अगर कोई भी ग्रामवासी को एक परिवार रजिस्टर का नकल चाहिए तो इनका 7 दिन से 8 दिन का चक्कर काटना पड़ेगा। ये सचिव साहब है यहाँ के, इनके ऊपर पूरे ग्राम सभा के विकास का काम का जिम्मेदार होता है और ये हफ्ते में सिर्फ एक बार यहाँ पर आके मिलेंगे और उसके पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा कुछ पता नहीं। इनका मोबाइल नंबर लिखा है, मैंने 2 दिन से कॉल किया लेकिन इनका मोबाइल नंबर रिसीव तक इन्होंने नहीं किया कि आपकी समस्या क्या है, पूछने तक का हल नहीं लिया इस सचिव साहब ने हमारा। और जब हमें काम था तो हमें दौड़ाया गया कि आप स्टाम्प लेकर आए, तब बिल्कुल स्टाम्प देंगे, लेकिन अगर उसके बीच में हमें कोई भी कागज की जरूरत होती हम किसके पास जाएं, किसके पास जाएं, कहां समस्या उठाएं। मैं DM साहब से मांग करना चाहता हूं कि कम से कम इनका एक ऑफिस होना चाहिए, जिस दिन अगर आज ही है अगर बीच में जरूरत पड़े तो हमारा फोन तो उठा के कम से कम काम कर दें ये लोग। इन लोगों की किस बात की सैलरी दी जाती है, मैं ये पूछना चाहता हूं। हमारा टैक्स का पैसा इन लोगों की सैलरी के लिए होता है लेकिन ये लोग हमें सिर्फ परेशान करने का काम करते हैं। 5 दिन के बाद आज शुक्रवार को हम सोमवार से इनको फोन कर रहे हैं, आज शुक्रवार को हमको ये मिला है। इन्होंने जो प्रक्रिया किया मैंने उसको फॉलो किया। BDO साहब के सामने इन्होंने कहा एप्लीकेशन आप लिख के दीजिए हम देंगे। एप्लीकेशन लिख के देने के बावजूद मुझे ये बोले कि आज हम आपको नहीं देंगे। मैंने बोला सर आज हमें जरूरी है, आज ही हमें दे दीजिए। तो ये बोल रहे हैं सर मतलब जरूरी क्या है, आगे भी चल ये डिसाइड करेंगे कि हमारा कागज कब जरूरी है कब नहीं जरूरी है, ये डिसाइड करेंगे सचिव साहब। अगर किसी ग्रामवासियों को कोई भी कागज सही से और नियमता कम कहीं पर डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है तो ये लोग डिसाइड करेंगे आपको देना कब है, आप आए हमारे कब पास। सरकार की सबसे बड़ी नाकामिता है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम गरीबों का काम कहाँ, अभोली ब्लॉक में जाएंगे वहीं 100-200 रुपए दे देते हैं, काम हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। उसी लिए इनका ऑफिस यहाँ ना होके अंतर दूसरी जगह होता है। जब मैंने पता किया परिवार रजिस्टर नकल कहाँ, तो परिवार रजिस्टर नकल ग्राम पंचायत के सचिवालय में होना चाहिए लेकिन यहाँ पर नहीं था, इनका फाइल कहीं और था और जो इन्होंने मुझे दिया नहीं, उस दिन भी नहीं दिया, फिर कल बोले थे देने के लिए, उन्होंने कल भी मुझे नहीं दिया, बोल रहे कि आप फोन करके हमसे लीजिए। मैंने एप्लीकेशन दिया BDO साहब को, मोबाइल नंबर लिख के दिया, साइन करके दिया, फिर भी ये बोल रहे हैं कि आप फोन करके हमसे लीजिए। ये सैलरी हम लोगों से लेते हैं लेकिन काम करना पड़ेगा तो इनसे पूछ के करवाना पड़ेगा हमारा, ये है नियम आपको बताना चाहते हैं, ये है सारे ग्रामवासियों के साथ यही होगा आपको बताना चाहते हैं। जब तक आप इसके लिए सवाल नहीं पता करेंगे तब तक ऐसे अधिकारी बैठकर यहाँ ऐसे ही काम करते रहेंगे। मैं 2 घंटे परेशान हुआ था सिर्फ एक कागज के लिए, अगर इसी तरह से हर ग्रामवासियों को परेशान होता है फायदा क्या, ऐसे सचिवों को हटाना चाहिए यहाँ से, हम लोग खुद से अच्छा मैं काम करवाएंगे, फिर हमको ऐसे सचिवों की जरूरत नहीं है। मैं मांग करना चाहती ग्रामवासी होने के नाते, मैं मांग करना चाहती अगर इस प्रकार से प्रक्रिया अगर यहाँ पर नहीं होती है ब्लॉक अभोली की जाएगी तो ये सचिवालय किस लिए बनाया गया है, 10-15-20 लाख रुपए किस लिए खर्च किया गया है, बंद कीजिए फिर ऑफिस वही खुलेगा, अभोली में जाएंगे सब ग्रामवासी काम कराने के लिए। इन्होंने मुझे 5 दिन परेशान किया इस कागज के लिए, आप बताइए हमारा काम निकल गया, ये पूरी जिम्मेदारी हमारा, पूरा पैसा भरेंगे, पूरा पैसा हमको भरेंगे, जहां पर मेरा कागज चाहिए था मुझे जरूरत था मुझे काम था इन्होंने दिया मुझे नहीं दिया है उसकी पूरी भरपाई ये करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि हमको कागज कब चाहिए। ये बोल रहे हैं कि आपको कौन सा जरूरी था कि मतलब आज ही आपको चाहिए, ये डिसाइड करेंगे। हमें मीटिंग थे, हमने बोला ठीक है सर आप मीटिंग में थे तो हमें कल दे दीजिए, फिर भी इनका मीटिंग था, कल भी मीटिंग था, इन्होंने बोला कि हमारा कल भी मीटिंग था हम नहीं पहुंच पाए। इन्होंने हमें बोला कि हम आपको 11 बजे तक कॉल करेंगे आप ले लें, बिल्कुल हमका बिल्कुल सर आएंगे, लेकिन इन्होंने हमें कल भी नहीं दिया, तब भी हमें ये कागज नहीं दिए। अभी मैं इस कागज का क्या करूंगा, मेरा काम खत्म हो गया है, मेरा हो नहीं पाया, इसकी भरपाई ये करेंगे, यहाँ पर बैठ के कुर्सी तोड़ रहे हैं, इसकी भरपाई करें ये बिल्कुल करें, मैं इसकी मांग कर रहा हूँ। और 2011 की अगर जनगणना हुई तो आज तक कोई सचिव यहाँ बैठता ही नहीं, फिर हम दर्ज कहाँ कराने जाएं, कोई भी दर्ज कराने के लिए इनको स्टाम्प पेपर चाहिए,
2011 की जनगणना हुई, 2022 चल रहा है, 11 साल बाद हम इनको कहाँ से ला के दें? इनके लिए हर स्टाम्प पेपर ला के दें हम पूरे ग्रामवासी का कि आप दर्ज करिए जी। इसका सर्वे होकर नया बनाने का प्रावधान था, इनको घर घर जाने का प्रावधान था कि घर घर निरीक्षण करके नया परिवार रजिस्टर का नकल बनाएं, फिर भी इन्होंने फर्जी किया हमारे साथ। आज तक नहीं बना हमारा आधार कार्ड यहाँ का, बिना प्रस्ताव का इन्होंने 3-4 फाइलों पे साइन किया मेरे सामने और बोल रहे हैं हमें अथॉरिटी है साइन करने का। ग्रामवासी का निवासी हम है, प्रधान जी भी थे हमारे साथ, इन्होंने कहा सर दे दीजिए इनको जरूरत है, तब भी इन्होंने नहीं दिया, उसके लिए स्टाम्प की मांग की मुझसे। मैं इस कागज का अभी क्या करूंगा, मैं इनसे लेके जाऊंगा यहाँ पर, मुझे क्यों नहीं दिएगा उसका लिखित में जवाब दे, तब यहाँ से जाने देंगे हम तो, नहीं तो जाने देंगे, हमारा जितना नुकसान है भरपाई करेंगे यहाँ पर। सचिव साहब मैं मांग करता हूँ ऐसे सचिवों को पहले तो यहाँ से हटाना चाहिए, मैं पूरे सदस्यों की मीटिंग करके ऐसे सचिवों को यहाँ से निष्कासित करता हूँ, क्योंकि हमारा ही काम था तो हमें ही इतना परेशान किया, 5 दिन बाद हमें ये रिपोर्ट दिया, अभी आज भी हमें ये काम ही नहीं है, मैं फाड़ के फेंकता हूँ इसे कागजों को, मुझे काम नहीं इसका, लेकिन उसकी भरपाई ये करेंगे हमारा। और यहाँ पर बताना चाहता हूँ एक साथ में ये थे, ये आप आइए, ये बुला के हमें बता रहे थे गाने भरपाई करेंगे सर। मेरा सारा दिन से आपको 2 दिन से बाद फोन किया कर रहा था, मेरा भी कागज का काम खत्म हो गया सर, रुकिए 2 मिनट ट्रेन से बदला रहे हैं, क्योंकि आपसे बदला नहीं कर रहे हैं, आप बताइए हमें उसको जब आपको ऐसे ही उठ के जाना था, आपने सर्विस क्यों ली? आपने कोई डिसीजन नहीं किया हमारा, अभी और लड़का आज तारीख का नहीं किया, बुधवार को मैं आप जब बुधवार के स्टेशन बोले वहां तो आपने बोला हम आपको मिसल बात को दे देंगे, आपने तब भी हमें नहीं दिया, और आज दे रहे, आज मैं इसका काम ही नहीं है उसका, हमारा जो नुकसान है उसकी भरपाई कौन करेगा? आप ये लिख दीजिए कल भी हम मीटिंग में, आप हमें दे दीजिए वीडियो साहब से, वीडियो साहब ने तो लिख के दिया, वीडियो साहब ने आदेश दिया है, आपको वीडियो साहब ने आदेश किया इनकी फाइल दीजिए, तकलीफ इस बात की आप थे उस दिन, आप जिम्मेदारी ले रहे थे कि मेरे काम हो गया, आप उनको देखने का भी ये नहीं, तकलीफ इसी बात की आप जो कोई जिला सेवा में काम नहीं थी संतुष्ट हो, सिर्फ वही लिख देते हमें, आपके ले रहे हैं आपके करने पे उन्होंने हमें दिया, आपके करने पे आप प्रधान नहीं ग्राम प्रधान हो जाते, उन्होंने आपसे ऐसा दे दीजिए इनका, तभी इन्होंने हमें नहीं दिया यार, मुझे बात नहीं हो पाया था किसी भी मीटिंग में थे तो हमें आप बोल देते एक घंटे बाद आप अभी समय देते आएंगे, और प्रस्ताव की कॉपी होना चाहिए कि उन्होंने आप साइन कर किया है, बिना कॉपी के यहाँ पर आप या तो स्टेटमेंट दे दीजिए कि हम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी ऐसी तरह है अगर विकलांग पेंशन उसमें बिना प्रस्ताव का ऑनलाइन नहीं है, आप जो बता रहे हैं 5 दिन समय किसी कागज की जरूरत है, 5 दिन बाद मिला, हमारा कागज तो कोई काम का ही नहीं है, क्या करेंगे उसको, अगर इस तरह से काम करना है तो हमको नहीं करना, वो नहीं चाहिए हमारी सैलरी से, इन लोगों को अगर टैक्स सैलरी मिलती तो हमें काम के लिए नहीं, तो हमको अभी काम की जाना पूरा रजिस्टर यहाँ पर होना चाहिए, क्लियर रजिस्टर कहीं ऑफिस में पड़ा रहता है, वहाँ पर जाएंगे पैसे के लिए काम होगा, और जो मैं देना नहीं चाहता इसके पहले यह प्रक्रिया तो हुई थी हमारे साथ, सिस्टम में हमारे पूरा यहाँ का रिपोर्ट चाहिए इनसे, अगर कितनी बार बैठक होती है, बैठक में प्रस्ताव क्या बना, वो पूरा सिस्टम इनसे हमें चाहिए, सिस्टम से हम काम करेंगे, हम स्टाम्प भी लेकर आए हैं, इनको स्टाम्प देंगे, जितना परिवार का नाम छुटा है वो पूरा नाम दर्ज करेंगे हमारा, फिर से देंगे। मैं सबसे कहना चाहता हूँ 2011 की जनगणना इसमें कितने परिवारों का सही ढंग से नाम दर्ज होगा, इसका वेरिफिकेशन होना चाहिए ना, पूरे ग्राम वासी का गर्व है, फिर भी नहीं दे रहे हमें, बीच में जरूरत पड़ा हम कहाँ जाएंगे, बीच में अगर हमें जरूरत है 5 दिन हम कहाँ जाएंगे, हमारा पूरा बना यहाँ का हाथ घुमाया
नियम था, लेकिन हमारे सामने उन्होंने गलत किया, उसका सत्यापन चाहता हूँ। परिवार स्तर अपने यहाँ का आदर बहुत पहले बनावट है, सबके सन 2002 बनावट है, बनावट है, लेकिन सब बहुत पहले जो तो नाम रावत का भेद सब अपन दर्ज करवा दिया, आधार से मार्कशीट से कुछ मैच नहीं होता, तो किस व्यवहार की नया बीच में हमने खाली में चाहा था तब काम कर दिया, तो काम कर ही हो गया, वो गया शिक्षा मैंने तो थोड़ा मैनेज कर लिया, 1 घंटा खड़ा रहने के लगे प्रधान जी, मतलब तकलीफ क्या बात था, आप हो जाए